खेलने जाने लगा ना तो रात में थक जाता था, रात में सो जाता था 9 बजे। वो फिर रात में सोते में ऐसे बोलता रहता, जैसे बच्चे खेलते थे ना ग्राउंड में, तो उनको वहाँ इधर आओ इधर, और बाल ऐसे ऐसे हाथ घुमाता रहता था। तो मम्मी तो बड़ी पैशनेट लग रही है मुझे क्रिकेट के बारे में, तो डांटती है जब एक आध छक्का एक साथ पड़ जाए तो? नहीं नहीं ये इस क्रिकेट में नहीं डांटती है ऐसे नहीं, पर अब इनको भी ज्ञान देने की आदत हो गई है कि बैट्समैन को कैसे रीड करो कैसे डालो। पहले हम बोलती ना कि जैसे तुम्हारा छक्का पड़ गया तो दूसरी बॉल चेंज कर दिया करो। ये अपने अपने तरीके से बोलती है। वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं होने से पहले ही मम्मी ने बोला था हमें बस वर्ल्ड कप चाहिए और कुछ नहीं, तो ये तो डिमांड थी वहां पे कि हाँ बिल्कुल। तो ये एक लौती ऐसी माँ है जो कहती है वर्ल्ड कप चाहिए, बहू के बारे में बाद में सोचेंगे। अब बहू के बारे में इतनी कोई बात नहीं होती है। क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया मुझे और अब आज के टाइम पे क्रिकेट सब कुछ है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, या फिर जितने भी यंगस्टर मेरे ग्राउंड में आते हैं उनके लिए भी बहुत कुछ माने रखता है क्रिकेट। आगे खेलते जाना है और लोगों की हेल्प करते जाने, इससे अगर मैं वर्ल्ड कप जीतता हूँ अगर तो मुझे हमेशा रहेगा कि मैंने अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ किया। कुलदीप जब यहाँ पे खेलना इशारा किया मैंने इससे पूछा कि क्या बनना चाहते हो काफ़ी दिन बाद, तो इसने बोला कि सर मैं वसीम अकरम बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा वो तो तुम बन नहीं सकते। तो ये मुझे देखने लग गया ऐसे ही ऊपर सर करके, तो मैंने बोला, इसने बोला कि सर मैं तो बॉल स्विंग कराता हूँ अच्छी। तो मैंने कहा वो ठीक है लेकिन तुम्हारा बिल्ड उतना तगड़ा और स्ट्रांग नहीं है और ये बहुत टफ है। तो जैसे एक बच्चा सोचता है कि चलो कोच को बेवकूफ़ बना लेंगे या ऐसे कर लेंगे कुछ भी कर लेंगे, अभी तो ये आया इसने बोला कि लाइए बॉल दीजिए, बड़े गुस्से में ही बोला। तो मैंने बॉल दे दिया, इसने जो पहला बॉल फेंका वो चाइनामैन था, कोई चाइनामैन मुझे नहीं दिखाई दिया ना बॉम्बे में ना दिल्ली में, और वो यूपी की बात ही छोड़ी है। तो ये जब इसने बॉल फेंका तो मुझे लगा कि यार ये चाइनामैन है, मैं इस पर वर्क कर सकता हूँ। तो मैंने इसे बोला एक लास्ट बॉल और फेंक दे, मैंने तो शायद फ्लूक में फेंक रहा हो, और इसकी दोनों बॉलें जो थी वो टप्पे पे थे, गुडलेंथ के आसपास ही घूम रही थी। तो फिर जब इसने जो तीसरी बॉल डाली तो मैंने कहा अब तुम यही फेंकोगे, और ये उस बोलने से खुश नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे मैंने बोला कि अगर आपसे तुम बॉल यहाँ डालोगे तो सिर्फ स्पिन डालना, तो बोला हाँ हाँ। और जब मैं दूसरे दिन आ रहा था तो उस पेड़ के पास से तो देखा ये मीडियम पेस डाल रहा था। ये बात तो बिल्कुल सही है, अभी भी मुझे बहुत शौक है फास्ट बॉलिंग का। तो अभी रिसेंटली मैं जसप्रीत बुमराह का एक्शन कॉपी कर रहा हूँ। तो जो पहली बार जैसे इन्होंने कहा कि पहली बार डाली चाइना में, तो जहन में था कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे ही जाके बस डाल दिया जो मन में आया? मुझे तो याद भी नहीं होता क्या होता है चाइनामैन स्पिन। एक ऐसा मोमेंट था कि बच्चे को स्पिन डालना है ना, तो वो बॉल डालता हूँ ये समझता नहीं कि मुझे किस हाथ से कैसे डालने हैं। तो उसने वो जब स्पिन डाली तो फिर मैं सोचने लग गया इसको सिखाना कैसे है। अंडर 12 में जब ये बॉल डालना चालू कर दिया 12, उसमें पहला जो इसका क्लब का मैच था तो सो जितने भी सीनियर प्लेयर थे, जो मैच स्टार्ट होने वाला था 9 बजे के पास मैच स्टार्ट होना था, वो आखिर तक मुझसे बोलते रहे कि सर ये छोटा है आप चाहो तो नाम चेंज कर लो, किसी और बच्चे का नाम डाल दो। तो मैंने कहा अभी देखना इस मैच के बाद देखना आपकी ये छोटा है कि बड़ा है। तो जब ये पहला मैच खेला उसमें 6 विकेट लिया, मेरे को तो 100% मालूम था इंडिया खेलेगा। अब इसको भले कुछ अपने अंदर डाउट रहे तो मुझे पक्का मालूम था इंडिया के लिए खेलेगा। तो वैसे तो सुलझा हुआ लग रहा है ये लड़का, लेकिन किस बात पर पड़ती थी कोच से? नहीं नहीं वो सिर्फ पड़ती थी इनकी परफॉर्मेंस को लेकर कि ये 2-3 विकेट तो हमेशा निकाल रहा है, गलतियों से नहीं। मुझे ये लगता है ये उसमें फिर हंसने लगता था लड़कों के साथ में और रिलैक्स दिखता था। तो मुझे लगता था 5-6 विकेट लेने वाला बॉलर अगर 2-3 विकेट लेगा तो कैसे काम चलेगा, तो और भी जल्दी आउट कर सकता था ये। तो उस पोटेंशियल को लेके मैं गुस्सा रहता था। अच्छा, हमेशा मेरे बहुत छोटे गोल थे अपनी लाइफ में, सोचता था कि मेरा स्टेट की टीम में सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद टीम में मुझे मौका मिल जाए 11 में खेलने का, 11 में खेलने में मुझे परफॉर्मेंस हो जाए, मेरी परफॉर्मेंस से मैं NCAA चला जाऊं, NCAA से मुझे अच्छे अच्छे कोच मतलब वहाँ पे जाऊंगा बेंगलोर में तो अच्छे मैचेस होंगे। हमेशा मैं यही सोचता था। जब मैं 16-17 साल का था तब मैंने सोचा था कि मुझे अंडर 19 खेलना है, इंडिया अंडर 19 खेलना है, मुझे उस तरफ से मेहनत करनी। उस टाइम मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही थी,
हर सीज़न में 40-50 विकेट ले रहा था, तो मुझे परफॉर्मेंस से मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा। प्लस कोचेज़ वगैरह सब जानते थे, जो भरत अरुण सर हैं आज हमारे बॉलिंग कोच हैं इंडियन टीम के, वो उस टाइम पे कोच थे। उसके बाद मुझे लगा कि जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया, तब मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूँगा यूपी से जाके। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत अंडर एस्टिमेट किया अपने आप को, बहुत ज़्यादा, कि मैं अभी तैयार ही नहीं। कभी कभी मुझे लगा कि मैं इंडिया के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, पर अभी मुझे लगता है कि मुझे बहुत पहले खेलना चाहिए था इंडिया, सीरियसली, जिस तरह मेरा टैलेंट था। पर अब लगता है कि वो सही टाइम था मेरे लिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी मैच्योर हुआ अपनी क्रिकेट को लेके, तो क्रिकेट को अच्छी तरह से समझा, लोगों को समझा, सही टाइम पे मुझे खेलने का मौका मिला। कभी कभी सर तारीफ़ कभी नहीं करते थे, बहुत रेयर की तारीफ़ करते हैं कि हाँ आज अच्छा बॉलिंग किया, अदरवाइज़ कभी सर को ऐसा लगा नहीं कि जब तक 6 विकेट ना लो तब तक सर ने कभी नहीं बोला कि अच्छे इनिंग्स में 10 से ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं किया ना इन्होंने कभी भी। नहीं, 10 तो चाहता है, एक बार कुंबले ले सकता तो ये भी ले सकते हैं। जितना प्लेयर कोच से नहीं डरता, माँ बाप से नहीं डरता, उतना फ्रेंड के आसपास होने से होता है डर कि कहीं कोई राज का पिटारा ना खुल जाए। तो अब तो ये कुलदीप है, केडी है, स्टार है, लेकिन आप तो इनको गुड्डू वाले ज़माने से जानते हैं ना। हाँ, मेरे ख्याल से जब से इसने करियर अपना स्टार्ट किया था, तो जिस टाइम ये ग्राउंड पर एंटर हुआ था, तो उसी के टाइम पर मैं भी एंटर हुआ, तो हम लोग का सफ़र 15 साल का एक साथ में है, तो काफ़ी राज है। हाँ, बट दोस्त तो वही है जो राज छुपाए। तो खोल दो राज का पिटारा, फिर जो कहानियाँ हैं छुपी हुई है जो दुनिया को नहीं पता। एक बार हम लोग मुंबई से लौट रहे थे, फ्लाइट में थे, उस समय कुछ रिफ्रेशमेंट देते थे, तो आलू और कुछ कुलचा टाइप का वो लोग दे रहे थे, तो कहते हैं 5,000 रुपये की फ़्लाइट हमने खर्चा किया आलू कुलचा खाने के लिए। का जो एंट्रेंस हुआ था, तो स्कूल में ही हॉस्टल में रहता था लखनऊ में, तो छुट्टियाँ हुई थी गर्मियों की, तो इसके जो चाचा हैं वो सिर्फ इसलिए ले गए, थोड़ा सा बल्की था ये, तो 2 महीने ग्राउंड पे रहेगा तो थोड़ा सा वेट लूज़ करेगा, तो सिर्फ इस मोटो से ग्राउंड पे आया था। बट वो धीरे धीरे वो चीज़ें अलग ही डायरेक्शन में चली गई, तो मतलब ये बहुत अलग चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये 15 में था तो मतलब इसके पास स्पाइक्स वगैरह नहीं थे उस समय, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती स्पाइक्स उस समय की बात है। तो अभी क्या है कि जब समय चेंज हुआ है, तो इसको वो चीज़ की रियलाइजेशन है कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो अभी ग्राउंड में जितने भी बच्चे हैं ये सबकी बहुत हेल्प करता है, मतलब किसी को भी स्पाइक्स, शूज़, लोअर टी शर्ट, बैट, मतलब इस समय बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कभी भी पीछे नहीं हटता है। तो भाई अब तो लड़का स्टार है, करियर भी अच्छा जा रहा है, इंडिया प्लेयर है, गुड लुकिंग भी है, तो फीमेल अटेंशन की कोई किस्से नहीं है? ये नहीं, इसको नहीं पता, हो सकता है, मुझे नहीं पता। काफ़ी फैन फॉलोइंग ऐसा नहीं है, तो इसको पता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी, तो अभी वो चीज़ें, अगर वो चीज़ साथ में रहेंगी ना, तो बाकी चीज़ें तो अपने आप ही हो जाएंगी। कोच ने तो इनको कंट्रोल किया ना, लड़कियाँ तो पहल कर ही सकती है। नहीं, पहल तो बहुत होती है, लेकिन जैसे कि नहीं, ऐसे कई बार ऐसे 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं कि कभी किसी से मिलना है, तो जनरली क्या होता है कि अंकल इसको कंपनी करते हैं, कहीं भी जाना होता है तो अंकल ही के साथ जाता है, बट कभी कहीं किसी के साथ जाना होता है तो फिर दोस्त याद आते हैं कि भाई तू चल, तो पापा रहेंगे तो मैं मिल नहीं पाऊँगा, तो थोड़ा बहुत कभी कभी किसी से मिलना हो तो गाड़ी पटरी पर है, ये मानना ठीक है? गाड़ी मेन क्या है, करियर वाइज तो बहुत अच्छी पटरी पर है, और वो भी टाइम आएगा तो वो भी हो जाएगा। अब तो तेवर अलग है, कुलदीप यादव आराम से चल के आता है, आसपास 100 लोगों की भीड़ होती है, ऐसा मेंटली अलग लगता है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसको पसंद है कि थोड़ा टाइम ना अपने आप को देता है ये, तो इसको पसंद है कि मैं, इसको ज़्यादा पार्टी वार्टी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो अगर इसको ज़्यादा बाहर भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो थोड़ा इरीटेट हो जाता है कि बाहर जब लोग इसके आगे पीछे घूमते हैं, तो इसको पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर आके हमेशा अकेला टाइम स्पेंड करता है, ग्राउंड पर आएगा, यहीं पर बैठेगा, बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, तो इसको अकेला टाइम पसंद है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा प्राइवेट टाइम देना चाहिए लोगों को। सेटबैक्स भी हुए, सिलेक्ट नहीं हुए, तो मन में क्या चलता होता था उस वक्त? फैमिली से बैकिंग मेरी अच्छी थी कि हाँ कि मुझे खेलना है, तो फिर उनका था कि हाँ खेलना है, क्योंकि क्रिकेट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कोई क्रिकेट खेलना नहीं था, मुझे पापा को था कि इसको क्रिकेटर बनाना है, तो उन्होंने मुझे इसके लिए पुश किया, नहीं तो अदरवाइज मैं इतना कोई शौकिया नहीं था क्रिकेट में, मुझे टेनिस बॉल से ही खुशी थी। यार कानपुर में गंगा किनारे बैठे हैं, बड़ा ही धार्मिक सा माहौल है, तो धर्मशाला की बातें क्यों ना करें यार।
इमोशनल होते हो धर्मशाला के उस टेस्ट डेब्यू की जब याद आती है? बिल्कुल बिल्कुल, धर्मशाला टेस्ट डेब्यू मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही था कि परफॉर्मेंस कैसे करी जाए। और उस टाइम तो मुझे सोच भी नहीं रहा था, मुझे याद है कि जैसे कल मैच है तो आज लंच में अनिल सर ने मेरे को बोला था, लंच कर रहे थे, उन्होंने बोला था कल तू खेलेगा और 5 विकेट निकालने तुझे। सो मुझे एक मिनट के लिए तो मैं ऐसे पॉज हो गया था, फिर मैंने कहा हाँ सर मैं निकालूंगा 5 विकेट। शिव रामाकृष्णन सर ने मुझे कैप दी थी, फिर उन्होंने कुछ बोला, मुझे याद भी नहीं क्या बोला क्योंकि मैं उस टाइम ब्लैंक था, मुझे अलग ही चल रहा था दिमाग में। तो मुझे बहुत प्रेशर फील होता, बहुत नर्वस था उस टाइम पे, बहुत फील कर रहा था कि क्या बहुत बड़ा मंच है यहाँ पे, कैसे परफॉर्म करूँगा मैं। तो एक दो ओवर में फिर मैं रिलैक्स हो गया, मुझे लगा कि नहीं एक रणजी ट्रॉफी के मैच की तरह मैं खेलता हूँ। दो ओवर डाले, लंच हो गया, लंच के वापस गया बाहर गया, फिर मैं लंच में ही खाते खाते मैं सोच रहा था मैं कैसे वो आउट करूँ डेविड वार्नर को। फिर मैंने प्लान किया उसके लिए कि 2-4 मैं नॉर्मल फ्लाइट करूँगा उसको, थोड़ा आगे खेलेगा, फिर एक मैं फ्लिपर फेंकूँगा, शायद वो बैकफुट पे जाए तो कॉर्ड बिहाइंड या बोल्ड हो जाए। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, पहला विकेट था टेस्ट क्रिकेट वो। उस टाइम बहुत इमोशनली अटैच हो गया था, उस टाइम मेरे आंसू भी शायद आने वाले थे, और क्योंकि स्टार्ट थी मेरे करियर की वो, और टेस्ट क्रिकेट जो हमेशा से मेरे बहुत क्लोज था। शेन वॉर्न से क्या सीखा और क्या नहीं सीखा? शेन वॉर्न से बॉलिंग के अलावा बाकी चीज़ें मैंने नहीं सीखी है, क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ बातें शेयर करते हैं वो। जैसे कि कैसे अपने आप को हैंडल करना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं बताओ, उसी चीज़ स्क्रीन पे नहीं बताई जा सकती। कैमरा बंद कर देते हैं ऐसे ही बता दो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा उनको फॉलो किया अपने बचपन से, क्रिकेटिंग कैरियर से, और मैं हमेशा चाहता था कि मैं उनकी तरह बनूं या फिर उनकी तरह मैं 40-60% बॉलिंग करूं। मैं शेन वॉर्न के साथ जब ऑस्ट्रेलिया में था तो रोज़ सुबह आते थे और अपना 10 मिनट देते थे, खड़े होके देखते थे क्या मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। और मैं जब भी उनको बोलता था कि मेरा यार एक हाथ गिर रहा है या फिर मैं जल्दी गिर रहा हूँ, तो वो खड़े होकर मैं बताते थे कि थोड़ा और इस पर पावर चाहिए या फिर उसको टाइट पकड़ होल्ड करो। तो वो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे हेल्प की मेरी, और मुझे था कि मेरा आइडल मेरे सामने है और वो देख रहा है, मुझे अच्छा करना है, परफॉर्मेंस करनी है। और मैंने डेडिकेट भी किया था उनको जब मैंने परफॉर्मेंस के बाद उनको, तो वो काफ़ी खुश थे उसके बाद। और उसके बाद से हम बहुत क्लोज आए और बहुत ज़्यादा बातें करने लगे क्रिकेट की और अच्छी तरह समझने लगे। और उन्होंने एक दिन वो चीज़ बोली थी कि तेरे अंदर बहुत जल्दी वो है, बहुत जल्दी तू अपने आप में बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, कि ऐसे नहीं होता, हर टाइम अच्छा नहीं होता है, और इतनी जल्दी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कि हाँ थोड़ा टाइम भी देना चाहिए हर चीज़ को। उस दिन से मुझे लगा कि थोड़ा सा रिलैक्स मुझे भी होना चाहिए, कि हर दिन आसान नहीं होता। वर्ल्ड कप की बातें करते हैं, बाबर आजम बॉल ऑफ द सेंचुरी, कैसे उल्लू बनाया उसको यार? जो वर्ल्ड कप वाला बॉल था वो अलग बॉल था, मतलब ऐसा स्पिनर का बॉल ऐसे ड्रिफ्ट होके ऐसे गया, फिर बॉल पड़ा टर्न होके अंदर आया वो, फिर आप कभी कभी आप सोचते हो कि कैसे डाल दिया आपने ये बॉल, या फिर और वाइट बॉल, वो भी ना कि रेड बॉल, वाइट बॉल इतना टर्न भी नहीं होता है, इतना तो वीडियो गेम में भी नहीं होता यार, कैसे कर लेते हो? इसी की प्रैक्टिस की है बचपन से, और ये स्किल है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उस पर मास्टर हो जाओगे। यार बाकी टीमों की ना बड़ी परेशानी है, एक एंड से कुलदीप आता है, दूसरे एंड से चहल आता है, मतलब सांस नहीं ले पाते हैं, तो ये जुगलबंदी कैसे बनी आप दोनों की? चहल को मैं पिछले 7 साल से जानता हूँ, जब मैं मुंबई इंडियंस में था टाइम भी उतना ही पतला था, अभी भी उतना ही पतला है, बाल भी वैसे ही थे उसके। फिर जब मैं इंडियन टीम में आया तब वो भी साथ में आया टीम में, उसके बाद काफ़ी हमारी पार्टनरशिप रही है ग्राउंड पे, प्लानिंग वगैरह, बॉलिंग करना, कैसे बॉलिंग करना, उसके बाद ऑफ द फील्ड भी हमारी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रही है, और छोटे भाई की तरह मुझे समझता है। तो ऐसे कोई किस्से उसके ऐसे बड़े किस्से नहीं हैं, उसकी आदत बहुत है फ़ोन चलाने की, फ़ोन चलाना, लेट नाइट रहना, ये सब किसी को पता नहीं है, हमेशा बाहर रहता है, पता ही नहीं चलता उसको क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता, रूम में D&D लगा रहता है। तो मेडिटेशन कर रहा होगा ऑफ कोर्स। हाँ, जल्दी सो जाता है ना वो। करेक्ट। फुटबॉल के बड़े रसिया हो मैंने सुना है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था स्पेन वर्सेस ब्राज़ील, जब
2012 की बात है, जब नेमार खेल रहा था उसमें, उसको पहली बार खेलते हुए देखा, मुझे लगा यार ये प्लेयर है, क्वालिटी स्किल लेवल उसका, तब से मेरा वही फेवरेट प्लेयर है नेमार को, मैं बहुत पसंद करता हूँ उसके स्किल जो है, बहुतों को पसंद नहीं है और मेरी और कैप्टन की बहुत बहस भी होती है इसमें क्योंकि वो रोनाल्डो के फैन है। तो कैप्टन के सामने अपनी बात पे अड़े रहते हो कि नहीं रोनाल्डो से बेहतर है नेमार हमेशा, क्योंकि क्योंकि मेरी टीम एफसी बार्सिलोना है, तो अभी कुछ ही दिन पहले जब शायद से रोनाल्डो ने हैट्रिक मारी थी, पोर्चुगल की तरफ से खेला था, सो मुझे बता रहे थे देखो देखो देखो, वीडियो दिखा रहे थे, और उसी शाम को शायद मेसी ने हैट्रिक मारी थी तो मैंने दिखाया ये देखो। अंकल एक जमाना था जब ईंट का भट्टा चलाते थे आप, और अब आपका लड़का तो कामयाबी की बड़ी इमारत बना रहा है, तो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या लगता है आपको? नहीं, अब चूंकि उस समय कुछ स्थितियाँ कमज़ोर थी, भट्टे से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, व्यापार में काफ़ी बड़े नुकसान भी उठाए ये किए, लेकिन ये रहा कि मन छोटा नहीं किया, लगे रहे। एक बार हाँ जब यही हुआ था, जब 9-15 वाला ये नहीं खेल पाए थे ट्रायल देके, पापा को सबको ये था कि ये बिल्कुल, इसको भी कॉन्फिडेंस था कि मेरा टीम में हो जाएगा, तब बहुत अच्छा था, न्यूज़पेपर में डेली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था तो आता था हेडलाइन में, जब टीम में नहीं हुआ आके बहुत, मतलब उस दिन इसका गुस्सा दिखा तो मैंने बोला देख ठीक है नहीं हुआ नहीं हुआ, आगे अगर लंबी क्रिकेट खेलनी है तो तुम्हारा गेम होगा, तुम बहुत ऊपर जाओगे, तुमको कोई नहीं हटा सकता। फिर लेकिन इसने बात वो पूरी सुनी, दूसरा दिन था वो जिस दिन ट्रायल दिया था, उसके दूसरे दिन से इसने मतलब इतनी मेहनत करी, आज क्रिकेट उनके ग्राउंड के बच्चों ने भी कई बार कहा कि दीदी आज वो कुलदीप वहाँ जहाँ है वो वहाँ पर डिजर्व करता है, जब हम लोग धूप में छांव ढूंढते थे कुलदीप बॉलिंग करा रहा होता था नेट पे। मुश्किल हालात थे जब ये छोटे थे, बच्चे छोटे थे, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान रहा है, तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि ये डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, ऐसा कुछ था मन में आपके? मेरे मम्मी के मन में था डॉक्टर बने या पायलट बने इंजीनियर, ये सोचते अच्छा मतलब कुछ बने, ये खेलने का मेरा शौक नहीं था, पापा का था। धीरे धीरे अच्छा खेलने लगा तो फिर हमारा भी शौक बढ़ने लगा कि नहीं शायद निकल सकता मेरा भी बच्चा, और ये तो 15 से चिल्लाते थे वर्ल्ड कप जी आ जाए गुड्डू हमारा वर्ल्ड कप खेलेगा, वर्ल्ड कप देखना एक दिन खेलेगा, ये घर में हमसे बातें करते थे। तो वो बड़ा स्पेशल मोमेंट रहा होगा घर पे कि बेटा वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है इंडिया के लिए? नहीं, बहुत खुशी की बात है, और ये तो एक तरह से मतलब कभी सोचो तो भावुकता आ जाती है, मतलब कि मैं जो है, लेकिन अब ये है कि इनकी मेहनत है, इन्होंने अपने लग की मेहनत वर्ल्ड कप का बहुत शौक था, मगर अब जीता के नहीं लाए, बस यही हो गया। तो जब ये इंडिया खेल रहा होता है, टीवी पर करोड़ों लोग देख रहे हैं, लेकिन इस परिवार में जब आप दोनों या सब लोग मिलकर देखते तो क्या माहौल होता है? अब जैसे मैच चालू है और कुलदीप बॉल कर रहे हैं और एक आज बाउंड्री वाउंड्री पड़ गई अगर तो अब हमसे ये कहेंगे ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, अगर वैसे करता तो ये आगे बढ़ के जाता हो समझे। और फिर अगर जैसे विकेट नहीं आ रहे हैं तो अब वो उस कमरे जाएंगे, वो वाली टीवी, ये वाली टीवी बंद करो, ये वाली नहीं, ये वाली क्या, ये चलता है, फिर थोड़ी देर बाद में जो फिर हम कहेंगे तुम हटो यार, तुम बात ठीक नहीं, तुम उधर जाओ, तो फिर ये अंदर वाले बेडरूम में लेट नहीं हुआ, हम कहें हाँ वहीं लेटो, उतने में विकेट मिल गया, तो अब विकेट जब मिल गया तो तुम अंदर ही रहना वहीं रहो यार। ये तो मतलब मैच चल रहा है, विकेट नहीं आ रहा, तो मंदिर नीचे है, मंदिर तो पूजा चालू हो जाएगी, राशि में अगर कुछ आ गया कि सफलता में वो दिख रहा है तो अब ये धीरे सब दिमाग चली, आज हम कह रहे थे यार सफल आज का दिन नहीं अच्छा है
आज का दिन अच्छा नहीं है। गुड्डू का ये इनका आईपीएल का साथ से मैचेस चल रहा है या कोई था मैचेस चल रहे थे, इनका ओवर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इनका ओवर का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है क्योंकि जल्दी जल्दी बॉल कराते हैं, और उसमें एक ओवर में खूब मार पड़ गई, चौवे छक्के पड़ गए। मम्मी कहती इतनी जल्दी जल्दी तो बॉल करा देता है, टाइम लेगी बॉल करा। तो जब ये आईपीएल में इतनी बड़ी राशि इनको मिली, हाँ। तो वो पल खास था कि आपने सोचा कि नहीं पैसा अपनी जगह और काम अपनी? नहीं, हमें पैसा नहीं, मैं यही सोचती थी खेले अच्छा, पैसा दुनिया में आता है जाता है इंसान का, मगर नाम जो चीज होती हो तो उसकी अलग ही बात होती है। यार कानपुर के लोगों की बातों में बड़ी मिठास होती है, लेकिन अब हम टेस्ट करेंगे आपका स्पाइसी क्वेश्चन। चले चले, ऑलराइट, हियर वी गो। ड्रीम डेट, अगर मौका मिले, नेमार या जैकलिन फर्नांडिस? Maybe जैकलिन। वसीम अकरम और शेन वॉन? शेन वॉन। 5-wicket haul या 100 as a night batsman? 5-wicket haul any day। Would you go back to being a top level seamer if you could? No, I'm happy now। PS4 या football on the ground? PS4। Lassi या energy drink? Lassi। Mumbai Indians or KKR? KKR। Dharamshala या Eden Gardens? Dharamshala। White ball cricket, red ball cricket? Red ball। Wrong one या flipper? Wrong one always। 4-over spell in a T20 or a 15-over spell in a test? Of course 15-over। Chahal या Harbhajan Singh? Harbhajan Singh। What happened the first time you met Sachin Tendulkar? I was just listening what he was saying that time। Favorite singer? Kishore Kumar। Okay, Kishore Kumar या Kulwinder Billa? Oh, Kulwinder Billa। First crush? When I was in fourth standard। Have you ever been heartbroken? No। Your idea of love? I don't know, seriously I don't know or anything about love। You've got all the right answers, well done on the spicy quotient। Thank you। मुझे भी है कि मैं भी कम से कम 500 टेस्ट विकेट तो लूँ, मेरा वही एक सपना है। पर रवि शास्त्री सर का भी इन्होंने बोला, अगर तू नॉर्मल क्रिकेट खेलेगा तो 400 विकेट लेगा, तो जब वो ऐसा सोचते हैं तो मैं भी उनसे आगे ही सोचता हूँ 500-600 विकेट लेने का। क्रिकेट है और जितनी मेहनत, जिस तरह की स्किल है, जिस तरह मेहनत करते रहेंगे तो उतना ही अचीव करेंगे। ये टाइम टेबल वाला क्या गाना है भाई? ये कुलविंदर बिल्ला है कौन, ये क्या गाना है? ये तेरी मेरी नी कहानी, आज कल नी पुरानी, आज बैठता सहित मैं कोली, मतलब मेरी आपकी और मेरी कहानी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। ओए होए, मैं आज मेरे पास बैठो, मैं आपको बताता हूँ।